फ्री में वेस्टर्न का मजा ले रहे हैं भाई तुम लोग, ठीक है ना। फ्री में भाई स्टे करा, फ्री में इन्होंने, सोच रहे हो आप जो टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं सोना वेस्टर्न होटल में। तो अभी कितने बज रहे, अभी बज रहे 1:18। हमारा चेक इन जो है ना वो है 3 बजे। वहाँ पे हमेशा हर जगह 2 बजे चेक इन होता है, 12 बजे चेक इन होता है कहीं कहीं पे, पर यहाँ पे 3 बजे चेक इन है। तो अभी बज रहे 1:18। पहुँचने में शायद से हमें लग जाएगा 20 से 30 मिनट, शायद से 30 मिनट लगेगा। तो अभी निकलते हैं यार, वो भाई रिजॉर्ट जो है ना वो बहुत गजब रिजॉर्ट है, तो उसी के लिए ही मैंने पहले मैं सोच रहा था लीला बुक कर लूँ या फिर ये सब रोजेट वगैरह, पर भाई इतना वो नहीं था। ये होटल है और वो रिजॉर्ट है भाई, उसमें पूरा घूमने का सब चीज़ है, तो हमने विला बुक करा है अपना। रखते इसके अंदर, अरे यार ये सीट चला जाएगा, इसको रखते हैं यहाँ पे और फिर चलते हैं घर से। रिकॉर्ड तोड़ रखा आज की डेट में ना, कभी तो बारिश हो जाती है और अगले दिन ही, बारिश के अगले दिन ही धूप निकल जाती है, इतनी तगड़ी वाली। देखो 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है भाई बाहर। रास्ता देखो क्या सुनसान सा रास्ता है बिल्कुल। हम पहुंच गए भाई वेस्टर्न सोहना गुड़गांव, और अब पिलर तो ऐसे खड़े कर रखे हैं। 500 मीटर है भाई यहाँ से, भाई अब पहुंचे हैं यहाँ पे। अब लेफ्ट है राइट है ये नहीं पता यार। द वेस्टर्न सोना रिजॉर्ट एंड स्पा ओन बाय वाटिका ग्रुप, लेफ्ट। भाई हम पहुंच गए हैं, पार्किंग किधर है भाई? पहुंच गए हैं भाई यहाँ पे ना, बहुत टाइम लगा यार, बहुत अंदर अंदर का रास्ते है, कहीं ऐसा नहीं है कि आप सीधे डायरेक्ट आ रहे हो भाई, बहुत अंदर अंदर का रास्ते है। और अभी चलते हैं भाई अंदर, देखते हैं। पहले कह रहे वेले को देना, भाई मेरे साथ एक बार वेले के साथ ये हो चुका है, एस्क्रोस गाड़ी थी उसका नीचे का पूरा चैम्बर वैम्बर कूलेंट वाला सब सब कुछ तोड़ दिया भाई। अरे राहुल का फोन आ रहा है भाई, अभी बैग निकालते हैं और चलते फिर अंदर। चलते हैं भाई अंदर, यही तो फायदे होते हैं कि होटल से ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। होटल में जाओ, एक बिल्डिंग में जाओ, लिफ्ट लो और चले जाओ, रिजोर्ट हो भाई पूरा जंगल घूमो। ये अपनी फरारी आ गई है, फरारी है ना, उससे कम तो है ही नहीं है। तो भाई अभी चलते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे मालदीव्स में नहीं जाते थे, हमारी ट्रेन रहती थी और बस रहती थी इधर से उधर जाने के लिए, आप ये बुक कर सकते हो, ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो अपना रूम नंबर है 810। पूरा जंगल बना रखा है, देखना सही बना रखा है। भाई अपना आ गया है, ऊपर वाला है अपना। आ जाओ भाई, फाइनली पहुंच गए यार। अब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के नहा धोकर रेडी हो गए भाई बिल्कुल, और अब चल रहे हैं। पहले तो चाय बनाएंगे और फिर चलेंगे नीचे घूमने के लिए। भाई अपनी चाय हो रही है रेडी, इसमें हो रहा गर्म पानी और ये सब डाल दिया है, और दूध डालेंगे और चाय अपनी रेडी होगी। भाई अपनी चाय होगी रेडी, इसकी भी और मेरी भी। तो गाइस अभी चलते हैं बाहर, भाई गर्मी तो बहुत हो रही है, इस टाइम मज़ा आएगा भाई। अब तक धूप थी ना तो इसलिए मैं जा नहीं रहा था। देखो घोड़े भी हैं यहाँ पे, दिख रहा है आपको। टाइम यहाँ घूमने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और ज़्यादा वो नहीं है, जब दिन में आए थे ना जब ज़्यादा गर्मी थी, और अब नॉर्मल टेम्परेचर है बिल्कुल। तो अभी चलते हैं भाई घूमने के लिए, कहीं इधर उधर टहलते हैं। उधर वो है खरगोश बतख बतख सब है। अबे ये क्या है, ये कौन सा है, खरगोश? खरगोश तो ना है यार, ये बतख। तो भाई यहाँ दुनिया भर के एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, एनिमल है, सब है। ये देखो घोड़े वगैरह, ये रही बतख। ये इतना टोटल 60 एकड़ में फैला हुआ है ये पूरा रिजॉर्ट जो है ना, ये सारे छोटे छोटे विला हैं और बेड, ये रहा बैडमिंटन का कोर्ट बना हुआ, मतलब 60 एकड़ में पूरा फैला हुआ है ये। ये यहाँ का स्विमिंग पूल है,
एक इधर है और एक दूसरी साइड है, जिम भी है भाई, वाह जिम करेंगे। देख भाई बहुत ज्यादा खट्टे हैं, बहुत ही ज्यादा भाई, पूरा सिस्टम मिला दिया इसने तो। मैं नहीं कर रहा भाई, ये सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ का इसका, और सब बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये पता नहीं ये चीज क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ा सा ये ना पूछ के आते हैं इसमें, अगर कोई एक्टिविटी हुई ना तो पक्का करेंगे भाई ये वाली चीज। ये क्या है भाई, यहाँ के दो रेस्टोरेंट, एक तो ये और एक ये वाला, हम इस पे आएंगे चौपाल में। ये बढ़िया बता रहे हैं कि इंडियन अगर खाना खाना है तो ये बेस्ट है, चाइनीज़ के लिए ये बेस्ट है, पर हमें चाइनीज़ अच्छे नहीं लगते, हमें इंडियन ही अच्छे लगते भाई, ये बढ़िया है अपना। तो भाई ये इनका गेमिंग जोन है, ये किड्स वाला है, ये अपना है गो कार्टिंग वाला। गो कार्टिंग का कैसा ट्रैक बना रखा है ये, अच्छा ये गाड़ी वैसा वाला ट्रैक है इनका ये, ओहो ये बैठी राइड करते हैं एक बार ना, मजा इसी में ही आएगा। ये तो धीरे धीरे चला रहा बच्चा ना, आराम चलाएंगे भाई तेज। और एक सोच रहा हूँ मैं वो वाली करने के लिए, साइकिल वाली, किसमें मजा आएगा अभी देखना पड़ेगा। इन्हें मरने की साइन करवा रहे दोबारा, अरे मैं वहाँ गो कार्टिंग करके आता रहता हूँ ना, कहाँ पे यहाँ पे करके आते हो, अरे घाटा में, कौन सी जगह पे घाटा में, अरे हेलमेट, अरे इसमें हेलमेट वो वाला नहीं है कि जिसमें थोड़ी रिकॉर्डिंग कर सके, ए यार तुम तो गलत कर रहे हो। तो भाई अपनी ये रेडी होगी, ये देख जिप लाइन दी, ये वाली कैसी, ये तो बेकार सी लग रही है। खूब मजे आए यार, पर एक चीज लोल हो गया हमारे साथ भाई, लास्ट राउंड में क्या हुआ कि जो वो कार थी ना वो जाके उसमें ठुक गई यार, एक्सीडेंट हो गया एक तरीके से ना, वीडियो में नहीं आया पर उसमें बढ़िया ठुक गई, वो टायर वायर जितने होते ना सारे उड़ गए ऐसे। तुम लाएंगे गोली, कौन सी वाली है ये, अच्छा नए लिया है पेपर, एयर गन है क्या वो जो छर्रे वाली, अरे यार असली वाली लाता जब तो लगता भी। आ जाएंगे शूटिंग, इसमें नया पेज लगा रहा है ये भाई, किस कोई और ठोका ब्लू है शायद से, यार ये रेड रेड लग रहा है बार बार, गलत है ये तो, सारे रेड रेड लग रहे हैं, कोई एक भी ढंग का नहीं लग रहा। क्या था रेड है, दो मारे भाई मैंने, हाँ ये वाले दो लगे हैं सबसे बेस्ट है ना, कोई लगा किसी ने मारे इतने, नहीं नहीं मारे। आर्चरी यार भाई, इसमें मजा आने वाला है, सारी एक्टिविटी करनी, कोई नहीं छोड़नी, और भाई और ने ना मौज कर रखी है हमारी ना, अब नाम तो नहीं ले सकता पर गजब ही मौज कर रखी है भाई। नहीं लगा वो आता है भैया, इससे ना आर्चरी में ये बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे ना लगने की बड़ी दिक्कत रहती है, अभी वो भाई पैड लेने गया है तो वो लगाएंगे और फिर करेंगे आर्चरी को। अरे भाई देखो एक लगी बिल्कुल एग्जैक्ट और सारी इधर उधर लगी है, पर ये बढ़िया लगी है, बिल्कुल 50 पे आगे लगी है, देख रहे हो आप, और पता है इतनी दूर से चला रहा हूँ वहाँ से, यहाँ से और यहाँ में भाई हवा का भी थोड़ा सा, वो हवा चल रही है ऊपर ना, और इस भाई ने बढ़िया तरीके से बताया है जब जाके लगी है, नहीं तो सारी आर पार लग रही थी, मैंने कहा ओवर कॉन्फिडेंस। इस भाई ने बताया कि ऐसे मारो जब जाके ये 50 पे लगी, नहीं तो लगती नहीं।
भाई बढ़िया है, थैंक यू भाई। घूमते घूमते रात हो गई और देखो क्या प्यारी प्यारा व्यू, लाइट वाइट और लग के, अभी तो और अंधेरा होते ही ना, ये देखना क्या गजब लगेगा पूरा रिजोर्ट। ये रहा वो, ये व्यू है, तो यहाँ आ जाएंगे भाई। ये है अरे धुआं धुआं हो गया, जो मच्छर मार रहा है। घूम के आ गए भाई, सारी चीज एक्टिविटी वगैरह कर ली है और बढ़िया मजा आया भाई एक्टिविटी में ना, और भाइयों ने दो चार एक्टिविटी हमारी फ्री कर दी। तो कोई नहीं गाइज, अभी हम चल रहे हैं डिनर पे, डिनर करके आएंगे भाई, डिनर देखते कैसा है। दो दिन दो रेस्टोरेंट है इसमें, एक शाओमी चाओ है, एक चौपाल टाइप है, और सारे रिनोवेट हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि भाई रिनोवेट वाले में नहीं है, तो दो ही है, शाओमी चाओ जिसमें चाइनीज मिलता है और एक है चौपाल आई थिंक। हाँ तो चौपाल में चलेंगे, हमें चाइनीज चलते हैं। असेंबली एरिया, हम कहाँ पे हैं, हेलीपैड भी है भाई देखो इधर, इधर ये स्विमिंग पूल है, ये मिनी स्विमिंग पूल है, और ये हेलीपैड हो गया। हम असेंबली एरिया इधर है, चलो और चलते हैं बाहर। रात के टाइम देखा कैसे सुनसान हुआ पड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई है ही नहीं, कोई रहता भी नहीं है। और हमें बहुत दूर जाना है यार, इसमें ना जो वो मॉल्डीव्स वाली सर्विस है ना, वो ना बहुत ही गजब है, वो चीज़ अच्छी बना रखी है इन्होंने। पर अभी हमारे लिए, पर मॉल्डीव्स में क्या था, बहुत सारी थी स्कूटर राइड जो थी ना ये इलेक्ट्रिक वाली, इसमें कम है यार, लिमिटेड है, 8-10 हैं शायद से। भाई जाने में बड़ा टाइम लग जाता है यार वहाँ तक पहुँचने में, और स्कूटर मिलेगा भी नहीं जो आता है ना। कोई नहीं, अभी पैदल चलते हैं, अपना खाना भी पच जाएगा और ठीक है, कुछ दिख भी नहीं रहा भाई आगे आगे तक का। रेजिडेंशियल विला रेस्टोरेंट्स एंड बार लेफ्ट में। तो भाई हम पहुँच गए हैं चौपाल में, ये है रेस्टोरेंट। अरे भैया आ गए हैं, आ जाओ जल्दी आओ। अपने पापड़ आ गए हैं, ये चटनी है भाई, अपना खाना आ गया है, ये रोटी, ये सब येलो दाल। तो गाइस अपना खाना पीना हो गया, और अब आइए भाई रसमलाई, ये केसर रसमलाई है ना। हाँ और भाई इतनी खा के देखते फिर बताता हूँ, गजब है बेकार। तो गाइस अभी चल रहे हैं भाई अपने रूम में, खाना पीना हो गया डन भाई, सब चीज़ अच्छा था, सब चीज़ बहुत गजब था, बस एक चीज़ बेकार थी इनकी रसमलाई, और जो की थी 1200 रुपये भाई। सब चीज़ पैसा वसूल तो हो गया था, पर एक चीज़ में रह गया था भाई। 810 कैसा लग रहा है यहाँ आके, फ्री में वेस्ट इन का मजा ले रहे हैं भाई तुम लोग, ठीक है ना। ऐसे ही फ्री में भाई स्टे करा, फ्री में इन्होंने, सोच रहे हो आप, जो हमने 30-40 हज़ार रुपए लगाया है ना, वो इन्होंने फ्री में यूज कर ले, तो आज रात ये यहीं रुक रहे हैं भाई। भाई देख रहे हो आप, एक ही रूम में हम 4 जने रहेंगे कैसे, ये दो जने का रूम है और ये सारे यहीं रहेंगे भाई। फरारी आ गई है और अब चल रहे हैं हम। तो गाइस हमारे भैया जा रहे हैं अब, हाँ बस 2 मिनट बस छोड़ ही रहे इनको, आप मोड़ लो यहीं से, मोड़ लो अभी चल रहे हैं आपके साथ ना, मोड़ लो। तो भाई इनको छोड़ के आ रहे हैं यार, ये जा रहे हैं घर, और बारिश होने वाली थोड़ी देर में, तो बाय 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 टाटा। हमें हमारा मन ना लगेगा थारे बिना, इनको छोड़ दिया, ये जा रहे हैं अब घर पे, हम आएंगे कल क्योंकि हमारा एक दिन का स्टे है ना यहाँ पे। तो अभी ये अपने घर जा रहे हैं भाई, और हम अपने चलते रूम में हमारे साथ खाना खाने के लिए। ये फ्री में, ये यहाँ रुकने नहीं आए थे, फ्री कह रहा हूँ मैं, यहाँ रुकने नहीं आए थे, ये हमारे साथ खाना खाने आए थे, और अब हम चल रहे हैं भाई होटल रूम में। चले पीछे बैठे, चलो भाई 810। तो भाई आ गए हम अपने होटल में, आते लाइट जल जाती है भाई।